नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज रात 8:01 तक रहेगी। आज रात 10:59 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:47 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। बात करते हैं जय जय योग की। बता दूं कि आज ये योग दोपहर 2:48 से रात 8:02 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 27 मार्च की सुबह 5:58 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 27 मार्च की सुबह 6:47 से 7:32 तक और एक बार फिर शाम 6:34 से रात 8:21 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 30 मार्च को दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:16 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 27 मार्च की सुबह 6:47 से 7:32 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 27 मार्च की सुबह 6:47 से सुबह 7:32 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त रात 8:32 से रात 8:58 तक और एक बार फिर रात 10:45 से भोर 4:50 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 अप्रैल की सुबह 10:45 से दोपहर 1:07 तक रहेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त अब कल है यानी 27 मार्च की शाम 6:34 से रात 8:21 तक और एक बार फिर रात 10:41 से भोर सुबह 4:46 तक। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों के मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 28 मार्च की शाम 7:41 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:23 से 10:55 तक। मुंबई सुबह 9:41 से 11:13 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:24 से 10:56 तक। लखनऊ सुबह 9:08 से 10:40 तक। भोपाल सुबह 9 से 10:32 तक। कोलकाता 8:39 से 10:11 तक। अहमदाबाद सुबह 9:42 से दोपहर पहले 11:13 तक। चेन्नई सुबह 9:12 से 10:43 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। घर से निकलकर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए।
फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपकी कल्पना शक्ति आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। आप पहले से ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने काम को पूरा करेंगे। आपको परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी तरह का लेन देन करने जा रहे हैं तो किसी बड़े की राय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज किसी आर्थिक योजना के लिए लिया गया फैसला आपके लिए लाभदायक होगा। आप परिवार वालों के साथ भगवान के दर्शन के लिए मंदिर जाएंगे। कोई अनुभवी व्यक्ति आज आपके कार्यों में आपकी मदद करेगा। नव विवाहित आज कहीं बाहर जाने का प्लान बनाएंगे, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी। मनचाही कंपनी में नौकरी मिलने से आपकी खुशी में इजाफा होगा। अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपको किसी दोस्त की सहायता से आगे बढ़ने के शानदार मौके मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपको कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। व्यापार में अच्छी गति से आपको लाभ होगा। आपके कुछ काम अटक सकते हैं, लेकिन जीवनसाथी की मदद से आपके कार्यों को पूरा करने में आप सफल होंगे। आपको अपने काम के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने की ज़रूरत है। आज आप अपनी स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको शाम के समय किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपके कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी। आप कुछ नया सोचने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। मित्रों के साथ आज आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे। आपको उनसे अपने काम में मदद मिलेगी। जो लोग मैनेजर्स की पोस्ट पर हैं, आज उन्हें अपने काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी विषय पर आज लंबी बातचीत होगी। धैर्य रखने से चीज़ें जल्द ही बेहतर होंगी। दाम्पत्य जीवन में आज खुशियाँ आएंगी। लव मेट से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आप परिवार वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करेंगे। किसी काम को शुरू करने से पहले अपने इष्टदेव का आशीर्वाद लें, आपको फायदा जरूर होगा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिसके साथ बात करके आपका मानसिक तनाव दूर हो जाएगा। आप किसी भी कार्य को करने के लिए आज पूरी तरह से तैयार होंगे। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। आपका कोई खास काम माता पिता की मदद से पूरा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज दूसरों के साथ आपका तालमेल बेहतर बना रहेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपको अपनी मेहनत का सुखद परिणाम हासिल होगा। आज किसी कलात्मक चीज़ के प्रति आपका अधिक झुकाव होगा। पूजा पाठ में भी आपका मन लगा रहेगा। ऑफिस में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स का पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर बहुत सी चीज़ें आज आपके फेवर में रहेंगी। आज आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए नया प्लान बनाएंगे। इससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। इस राशि के कारोबारियों को अचानक किसी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। छात्रों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा, साथ ही आपके परिवार में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। अगर आपने हाल ही में किसी नई परियोजना पर काम शुरू किया है तो आपको बहुत जल्द ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें आज रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आज अनुभवी लोगों से सलाह मिलेगी। आज आप धार्मिक कार्यों में सहयोग देंगे, साथ ही सामाजिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बनी रहेगी। नव विवाहित दंपति के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको किसी दोस्त से जुड़ी महत्वपूर्ण बात पता चलेगी। लव मेट्स के रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज कार्यक्षेत्र में बॉस से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लव मेट कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। इस बीच आपको कुछ रोचक अनुभव भी मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे आज आपको अपना ध्यान भटकाने से बचना चाहिए।
आज किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में आपका मन नहीं लग पाएगा। कुछ दोस्तों के साथ अनबन की स्थिति भी पैदा हो सकती है। आपको इससे बचकर रहना चाहिए। परिवार का माहौल खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों का समय पिता के साथ बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आप अपने भविष्य को लेकर विचार करेंगे। आज आप अपने करियर को और बेहतर बनाने के बारे में सोच विचार करेंगे। कार्यस्थल पर सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आर्थिक रूप से आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा। आपके लिए कहीं बाहर यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सेहत के मामले में आज आप अच्छा महसूस करेंगे। लवमेट्स के रिश्तों में मजबूती आएगी। ऑफिस में आपको किसी काम के लिए पुरस्कार मिलेगा। आज आप हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे। अचानक नए सोर्सेस से आपको धन लाभ होगा। आज आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। नज़दीकी लोगों के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। जॉब में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनको कोई बढ़िया ऑफर मिलेगा। बच्चों के साथ जीवन में खुशियां बरकरार रहेंगी। आज आपकी किसी प्रिय व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज आपके रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपके सभी काम सरलता से पूरे होंगे, लेकिन तभी जब आप उचित दिशा में मेहनत करें। आज आपको कुछ नए विचारों पर काम करने की जरूरत है। सेहत के मामले में दिन ठीक ठाक ही रहेगा। आपको बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी भाग लेना चाहिए। इससे आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। घर में माता के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ब्राह्मण को दूध दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को रोटी खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, जीवन साथी के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 2, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आज राहत मिलेगी। आपको बेहतर फील होगा। मूलांक 3, आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। मूलांक 4, आज आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे परिवार के सभी लोग बहुत खुश होंगे। मूलांक 5, करियर में आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। ये सफलता आपके लिए शानदार रहेगी। मूलांक 6, आज आपके रुके हुए सारे कार्य पूरे होंगे, जिससे आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 7, कोई भी फैसला करने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना चाहिए। मूलांक 8, बच्चों के साथ खुशी के पल बिताएंगे, जिससे आपके मन को शांति मिलेगी। मूलांक 9, जिस काम को आप पूरा करना चाहेंगे वो काम आज आसानी से पूरा हो जाएगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में पैसों का प्रवाह सामान्य रूप से बनाए रखने के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि घर में पैसों की कमी बनी रहती है, और कई बार एकदम से इतना पैसा आ जाता है कि उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पैसों का प्रवाह सामान्य रूप से बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी भरकर नमक मिलाएं और घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। इसके साथ ही उस गिलास के पीछे की तरफ एक लाल रंग का बल्ब लगा दें, और जब भी बल्ब जले तो कांच के गिलास पर सीधी रोशनी पड़े। उसमें जब भी पानी सूख जाए तो गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला के पानी भर दें, और उस बल्ब को कभी कभी जलाते रहें। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा घर में पैसों का प्रवाह सामान्य रूप से बनाए रखने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपना कर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि और शनिवार का दिन है। नवमी तिथि आज रात 8:01 तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। आज रात 10:59 तक परिग्रह योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज दोपहर 2:47 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में अगर बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना बताई गई है, वरुण, और जल के देवता वरुण देव हैं। लिहाजा आज जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है।
इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है और इसे राजस्थान में सुपड़े के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है, इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए और साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाए, इसकी लकड़ियों को न तोड़े और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में ले। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से उत्तराषाढ़ 21वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शिल्प कला से जुड़े कार्य, विद्यारंभ, वास्तु शांति और कृषि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिनका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र के दौरान यानी आज दोपहर 2:47 के बाद कटहल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। लेकिन अगर आपको कटहल का पेड़ न मिले तो कटहल के फल को ही नमस्कार कर लें, इससे आपके जीवन की गति और तेज दोनों बने रहेंगे। ये थी परिघ योग और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र की चर्चा, और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की चर्चा। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो आज शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रांग द्रींग द्रौं सह शुक्राय नमः। जाप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। आज इस मंत्र का जाप करने से आपकी जल्दी ही एक अच्छे जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित नई चालों से परेशान हैं तो अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आज किसी कुम्हार के घर जाकर को एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाइए, और ध्यान रहे कि उस बर्तन पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। घर लाने के बाद बर्तन को एक जगह पर रख दें। अब एक सफ़ेद कोरे कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें, उस पर शुक्र के मंत्र का 5 बार जप करें, ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद कागज की पर्ची बनाकर कुम्हार के घर से लाए मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उस पर ढक्कन लगाकर घर से दूर कहीं वीराने में छोड़ें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही शत्रु की नित नई चालों से मुक्ति मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्मस्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। और अगर आप अपने बिजनेस संबंधी किसी डील को लेकर परेशान हैं और उसकी वजह से आप किसी अन्य काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं तो आज गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा और आप अपना काम बेहतर ढंग से कर सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके किस्मत का सितारा बुलंद हो जाए और आप तरक्की के नए आयाम छुए तो इसके लिए आज माता महालक्ष्मी को प्रणाम करें और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, साथ ही रोली का टीका लगाएं और मिट्टी के दीपक में 2 कपूर की टिकिया लेकर आरती करें। इस तरह पूजा के बाद उस पुष्प को अपनी जेब में रख लें, पूरे दिन रखे रहें, अगले दिन किसी बहते जल में उस पुष्प को प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे और आपकी तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे आपको। अब हमसे एक ने कहा कि साहब हमारे घर से बहुत दूर बहता पानी है, बहुत किलोमीटर है, मतलब बहता पानी है ही नहीं हमारे घर के आसपास, तो ऐसे लोग क्या करेंगे। घर के बाहर किसी साफ टोकरी में उस फूल को रख लीजिए, सूख जाने दीजिए, उसके बाद आप उसकी खाद बना के क्यारी में भी डाल सकते हैं, और चाहें तो कभी किसी ऐसे वाटर बॉडी से आपको गुजरना हो तो वहां जाके विसर्जित कर दीजिए। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ नक्षत्र तक यानी 27 दिन
प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। आपको बता दूं कि अगला पूरा सहा नक्षत्र 22 अप्रैल को पड़ेगा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत होगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको जलवेतस यानी कि केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ ना मिले तो इंटरनेट से उसकी फ़ोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। आज के दिन ऐसा करने से आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होगी। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं तो रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज दही का कुछ बनाकर पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद के रूप में वो परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप दही का कुछ न बना पाएं तो केवल दही लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर अपने इष्ट देव को भोग लगाएं और बाद में उसे परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। साथ ही स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। आज के दिन ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के साथ आपके रिश्ते और भी मजबूत होंगे। अगर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए आज एक नया मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज ये उपाय करने से आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने में सफल होंगे। अगर आप अपने भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं या अपने लिए एक सुंदर से जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो पूरा सहा नक्षत्र में दाहिने पैर की मध्यमा उंगली में सफ़ेद रंग का धागा बांधें और सफ़ेद चंदन का टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करें। साथ ही पैर की उंगली में बंधे सफ़ेद धागे को आप अगले दिन खोलकर फेंक दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके पास हर तरह के भौतिक साधनों की संपन्नता हो जाएगी। तो यह सारी चर्चा थी आज परिघ योग और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बारे में। आज अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आज आपके दोस्त को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको करियर के मामले में अच्छी सलाह मिलेगी, आपका करियर बेहतर होगा। B, काफ़ी दिनों से रुका हुआ कार्य आज पूरा हो जाएगा। C, आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिलेंगे। D, पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे। E, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी बनेगी, आज जरूरतें भी पूरी होंगी। F, एक्स्ट्रा आमदनी होने के योग बन रहे हैं। G, फिजूल की बहस से बच कर रहे हैं। H, जो लोग इंजीनियर हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। I, परिवार के साथ समय बिताएंगे, शाम को सबके साथ मिलकर डिनर करेंगे। J, परिवार में जो भी चल रही है, अनबन चल रही है, आज वो समाप्त हो जाएगी। K, जो लोग डिज़ाइनर हैं उनके किसी डिज़ाइन की काफ़ी तारीफ होगी। L, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। M, आज आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी जिससे आप अपना काम समय से पूरा कर लेंगे। N, जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे इससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा। O, किसी कार्य में थोड़ा अधिक समय लगेगा लेकिन आज काम पूरा हो जाएगा। P, अपनी वाणी पर संयम रखें, नहीं तो कोई आपसे नाराज हो सकता है। Q, कारोबारियों को उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। R, किसी काम में परिवार की मदद मिलेगी, आज आपकी किस्मत भी आपके साथ रहेगी। S, आज आपको कुछ बेहतरीन मौके मिलेंगे, इन मौक़ों से अच्छा फ़ायदा होगा। T, साहित्य से जुड़े लोगों को आज कोई खुशखबरी मिलेगी। U, रोज़मर्रा के कामों में फ़ायदा होगा। V, छोटे से विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर लग सकते हैं। W, व्यावसायिक क्षेत्र में बदलाव आएगा। X, शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में खुशियां आने वाली हैं। Y, परिवार की कुछ खास जिम्मेदारी मिलेगी। Z, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के शहर जामनगर में। यहाँ रणमल झील है और झील के पास ही हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का नाम है बाल हनुमान मंदिर। इस मंदिर का निर्माण
1540 ईस्वी में हुआ था। बाद में 1964 में इसका जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ निरंतर रामधुन चलती रहती है और 1964 से लगातार रामधुन चलने के कारण इस मंदिर के नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। यहाँ पर दिन भक्तों की एक सूची लगती है जो रामधुन में भाग लेते हैं। किन्हीं खास परिस्थितियों में रामधुन में कोई विघ्न न पड़े, इसके लिए चार चार अतिरिक्त भक्तों का नाम भी लिखा जाता है। ये सब राम भक्त मंदिर में ही आने वाले श्रद्धालु होते हैं जो स्वेच्छा से इस रामधुन में भाग लेकर लाभ उठाते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत बाल हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। कई लोगों के कान अपेक्षाकृत बहुत ही छोटे होते हैं। ऐसे कान वाले लोगों के पास खूब धन दौलत होती है। स्वभाव से छोटे कान वाले लोग थोड़े चंचल होते हैं, लेकिन भगवान और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले होते हैं। परंतु कई बार जब कहीं इनका काम अटक जाता है तो सारे पाप पुण्य भूल जाते हैं और दूसरों से काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा बेहद छोटे कान वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 मार्च को चैत्र कृष्ण पक्ष की नौवीं तिथि है। नौवीं तिथि आज शाम 8:01 तक रहेगी, उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी जो कल शाम 6:04 तक रहेगी। तो आज शाम 8:01 तक लौकी नहीं खानी है और कल शाम 6:04 तक कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे ही रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नारियल का दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।